उसमें से एक कला आपके बीच दिखाने के लिए जा रहा हूं। आपने बड़े बड़े जादूगरों को देखा होगा स्टेज पे कैसे लड़की को हवा में उड़ा देते हैं, दो हिस्सों में काट देते हैं। उसका एक छोटा सा एग्जांपल दिखाने के लिए जा रहा हूं। लेट्स प्ले द ट्रैक नंबर 4। मेरे पास एक टेबल है और इस टेबल की तरफ ध्यान से देखिएगा। लेट्स प्ले द ट्रैक नंबर 4। नीचे हो जाओ सब, ऐसे हो जाओ करो। सही बच्चे पीछे हट जाओ। बड़े एक तक देखना, ये आपको एक कलाकारी और सिखाएंगे। कहा अमन, कहा भाई अमन? ये अमन भाई हमारे नेहरू यार में रहते हैं, हमारे ऑलमोस्ट हर प्रोग्राम में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी करते हैं। अरे भाई आते हो? बिल्कुल आते हैं, आप याद करते हैं, आते हैं आप। हाँ, आपका आशीर्वाद है। थैंक यू सो मच। ये आपको अभी एक कला भी सिखाएंगे, एक नोट से 10 नोट बनाने वाली। हो गई, मैं लेट हो गया। अब क्या सिखाओगे? अब रस्सी से कुछ। मेरा प्रिय खेल तो वही है, एक नोट से 10 नोट बनाने वाला। भाई मैंने बचपन से वही सीखा एक्चुअली। चलो गानी वे, आप रस्सी वाला बनाओ। बोलो बाकी बिहारी लाल की जय। आवाज को क्या हुआ, गला बैठा हुआ है? बोलो बाकी बिहारी लाल की जय। खेला माइक भी देना, सॉरी।
ओके, आप सभी का एक बार फिर से यहाँ तहे दिल से स्वागत है, अभिनंदन है। और डी ब्लॉक शिव शक्ति मंदिर नहरियर समिति का मैं बहुत बहुत हबारी, उन्होंने मुझे, वो मुझे हर साल यहाँ पर याद करते हैं, हर साल मुझे बुलाते हैं, स्पेशली रोहित भाई, रोहित चोपड़ा जी के लिए एक बार जोरदार तालियां तो बनती है। ओके, डीजे वाले भैया से रिक्वेस्ट है, साउंड वाले भैया से, लेट्स प्ले द ट्रैक, इट्स मैजिक। ओके, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, मेरे पास एक रस्सी है और आप सभी से सिर्फ इतना पूछना चाहूंगा, एक रस्सी के कितने एंड होते हैं, यानी कि कितने किनारे होते हैं? दो। यहां पर आपको कितने किनारे दिखाई दे रहे हैं रस्सी के? दो। ओके, आप सभी से रिक्वेस्ट है, अपनी नजरें इस रस्सी के ऊपर रखिएगा, इस रोप के ऊपर रखिएगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है, अपनी पलके मत झपकाइएगा। मैं शुरू से एक बात कहता हुआ आ रहा हूं, अगर आपने अपनी पलके झपका दी तो आप धोखा खा जाएंगे और मिस कर जाएंगे। ओके, लेट्स प्ले द ट्रैक। थोड़ा सा आगे बढ़ा दें म्यूजिक को, ओके, वॉल्यूम फुल कर दें। बोलो बाके बिहारी लाल की, भगवान जी कह रहे हैं ध्यान से देखो तभी जादू दिखाई देगा आपको। भाई क्या हुआ म्यूजिक वाले भैया? म्यूजिक वाले भैया म्यूजिक चला दीजिए, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दे। हाँ सर, बहुत ही खुशी की बात है, हमारे बीच में संजय मदान जी आए हुए हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे मंदिर के महासचिव पुनीत शर्मा जी से निवेदन करूंगा कि उनका स्वागत करें, श्री संजय मदान जी जो हमारे क्षेत्र के निगम पार्षद हैं, पूजा मदान जी के पति हैं, संजय मदान जी समाज सेवी हैं और परमानंद में जो मंदिर है आप वहां बड़ी सेवा करते हैं, और साथ में पंकज आनंद जी आए हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। पंकज जी आ जाए एक बार, जोरदार तालियां संजय मदान जी के लिए। अभी आपके सामने बहुत सुंदर जादू कार्यक्रम चल रहा है,
मैं संजय जी से निवेदन करूंगा कि दो शब्द कहें। संजय मदान जी बोल। भाग्य बिहारी लाल की, भारत माता की। आज बहुत ही खुशी का दिन है कि आज पूरे देश में, पूरे विश्व में जन्माष्टमी का महोत्सव मनाया जा रहा है। आप सभी को भगवान कृष्ण के जन्म उत्सव की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। भगवान कृष्ण का आशीर्वाद सब पर, संपूर्ण विश्व पर, पूरे देश पर और हमारी नेहरू बिहार के ऊपर खासकर हमेशा बरसता रहे। और आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई। और हमारे जादूगर भैया बहुत अच्छा जादू दिखा रहे हैं। अभी थोड़ी देर में झांकियां भी होंगी, मुझे अभी बताया कोमल जी ने। तो आप जादू का आनंद लें और एक बार फिर आपसे मैं पुनः जन्माष्टमी की बधाई देता हूँ। बाकी बिहारी लाल की। ये हमारे मदान साहब हैं, संजय मदान जी नाम राशि है मेरी। अभी तो खैर राजनीति में आ गए हैं। बहुत अच्छा रावण का रोल करते थे किसी टाइम पे, रामलीला में सिंगर भी रह चुके हैं, बहुत अच्छा भजन कीर्तन भी करते हैं। अपने कीमती समय से समय निकालकर माता रानी की चौकियों में और अलग अलग धार्मिक प्रोग्रामों में हिस्सा लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। और मतलब खुद भी गाते हैं, बहुत अच्छे सिंगर हैं, भजन खुद भी गाते हैं, रावण का रोल भी कर चुके हैं कई साल तक। और मैंने भी देखा इनका रावण का रोल, मैं भी अप्रिशिएट करता था उस समय। और मेरे से ऑलमोस्ट एज में हम सेम ही होंगे, तो इधर मेरा चलता था रावण का रोल, इधर भाई साहब का चलता था, तो हम भी कॉपी करते थे एक दूसरे को देख देख के। बोलो बाकी बिहारी लाल की, महादेव। बस विजय फतेह। शाहजमानी दबदबा जात है, तमाम विश्व को अपने हक में किया। अब मेरी टक्कर में आने वाला कौन है? हर कलम हर तक करेगी आज मेरी तारीफ में, हर चुना वस्तु होगी अपनी तारीफ में। पवित्र गंगा का जल होगा मेरे चरणों को धोने में, मेरा ही नाम गूंजेगा हर एक मंदिर के कोने में। सर झुकेगा आज दुनिया के हर इंसान का, द्वार पर पैरा होगा आज मेरे भगवान का मैं कौन। लंकावधि लंकेश नहीं जगत नरेश। एक नवी बोल भी मैडम साहब, ऐसे एक भाई साहब बोलते थे, ऐसे मैं भी बोलता था। एक मैं भी अपना एंट्री डायलॉग आपको सुनाता हूँ। लंकेश, लंकापति नरेश, देवताओं का अन्नदाता, इन तीनों लोगों का स्वामी, जग दंडन आर्थिक मालों का करता, काल अब काल नहीं मेरे पैरों का गुबार है, इंद्र अवा इंद्र नहीं मेरे ठोकरों का ठुकराया हुआ आज्ञाकार है। विधाता को भी मेरी आज्ञा के बिना सांसारिक कामों में दखल देने का अधिकार नहीं। प्रयत्न करते हैं यम वरुण मेरे सहारे पर, अश्विनी और कुबेर पलते हैं अब मेरे ही गुजारे पर। खड़ा रहता है विष्णु हाथ बांधे मेरे द्वारे पर, निरंतर नाचता है काल भी अब मेरे इशारे पर। अगर गुस्सा करीब को मेरी आंखों में छा जाए, हिले पर्वत मही डोले सकल संसार थर्राए, मैं कौन? लंकेश, लंका पति नरेश। हर हर महादेव। बहुत बहुत ही अच्छा अभी अभिनय करके दिखाया हमारे भाई जी ने, सागर साहब ने। पुराने जब मंच पे जो कलाकार होते हैं ना, जब मंच पे आते हैं तो पुराने कहते कीटाणु जाग पड़ते हैं, तो वो वही बात है। तो जो मंच से जिनका लगाव होता है, उनका प्यार होता है, तो वो आप सभी को फिर एक बार जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई। और आगे कार्यक्रम देखो, जहां दो रावण आ जाए तो ऐसे ही होना था।
स्टॉप द म्यूजिक। ओके, अगर जिस किसी भाई के पास रुमाल है जेब में, सैगल भैया रुमाल है आपकी जेब में, रुमाल ये नहीं चाहिए, रुमाल चाहिए, निकाल लो जी एक बार भैया, ये रुमाल नहीं चाहिए। आप भी तो ऐसे ही करके दिखाते हो। नहीं नहीं, कुछ और करके दिखाएंगे। ओके, इसके बाद एक जादू हम आपको दिखाएं। बिल्कुल बिल्कुल, आपके अपना हाथ ऐसे दिखाओ पहले। देखो भाई, 1 2 3 4 5, ये पांचवी में काट दूंगा, अभी काट दू, जिसका है उससे तो पूछ लो। हाँ काट दो, घर का राज है, काट दो, हद हो गई है, काट दू, काट दो, सब कुछ आपका ही है यार, अब तो काटना पड़ेगा भाई। पहले रुमाल वाला दिखाओ। मैं ही काट दू, हम ही काट देते हैं, हमारे अंदर बड़ी दिल रही है। देखो आप भी इधर आ जाओ, सामने आ जाओ और काट के दिखाना। काटो काटो, पहले सामने तो आओ। आ गए जी। ये कितनी उंगली है? चार उंगली, चार उंगली, ये देखो, 1 2 3 4 5, वाह अंगूठा। ओके, सबको दिख रहा है? अरे अंकल लो यार, अंकल करके दिखाओ, दिख रहा है? भूख मारो जोर के। काट के दिखाओ। ओके, पर्दे के गिरते ही, पर्दे के उठते ही, इट्स मैजिक, इट्स मैजिक, इट्स मैजिक, इट्स मैजिक। एक बार जोरदार तालियां आ जाए राजकुमार राजा जी के लिए, इन्होंने बहुत अच्छा साथ दिया। क्या है भाई, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत हो जाए इनका। ओके, मेरे एक लड़का और एक लड़की यहाँ पर सीखे, लेकिन जिसको मैं बुलाऊंगा, ऐसे नहीं, जिसको मैं बुलाऊंगा, जिसको रोहित भाई खड़ा करेंगे वो यहाँ पर आ जाए। रोहित भाई, एक लड़का और एक लड़की चाहिए मेरे को यहाँ पर। एक लड़की चाहिए मेरे को यहाँ पे, क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां हो जाए इन दोनों बच्चों के लिए। ओके, मैं इन दोनों बच्चों को थोड़ी देर के लिए हिप्नोटाइज करने के लिए जा रहा हूँ, जैसा मैं चाहूंगा, हिप्नोटाइज मतलब सम्मोहित करने के लिए जा रहा हूँ। जैसा मैं चाहूंगा ये बच्चे वैसा देखेंगे, जैसा मैं चाहूंगा ये बच्चे वैसा नहीं देख पाएंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है, अपनी नजरें इस मंच के ऊपर रखिएगा, लेकिन मैं समझता हूं कि हिप्नोटाइज करने से पहले इन बच्चों को चेक कर लेना चाहिए कि ये बच्चे हिप्नोटाइज हो सकते हैं या नहीं हो सकते। मैं चाहूंगा बेटा आप यहां पर आओ, यहां पर। ओके, अपना नाम बताओ। अंश। अंश, एक बार अंश के लिए जोरदार तालियां तो बनती हैं। अच्छा अंश, ये बताओ आप कौन सी क्लास में पढ़ते? फिफ्थ बी। यार मैंने आपसे आपका सेक्शन तो पूछा नहीं, आपने फिर भी बता दिया, चलो कोई बात नहीं। ओके, अच्छा आप मुझे ये बताओ कि आप फिफ्थ क्लास में कितने सालों से पढ़ रहे हो? एक साल। एक साल, क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, एक साल से पढ़ रहे हो। ओके, आप फिफ्थ क्लास में और कितने साल पढ़ना चाहोगे? पांच। क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां हो जाए इस बच्चे के लिए। अच्छा, कुछ बच्चों का ड्रीम होता है कि वो बड़ा होके डॉक्टर बने
इंजीनियर बने। मेरा ड्रीम था कि मैं बड़ा होकर मैजिशियन बनूं, जादूगर बनूं, तो मैं बन गया। अगर मैं बात करूं उस बच्चे की, जब आप बड़े हो जाओगे तो आप बड़े होके क्या बनोगे? फुटबॉलर। फुटबॉलर, क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां आ जाए इस बच्चे के लिए। जब आप फुटबॉलर बन जाओगे तो उसके बाद क्या करोगे? शादी। क्या बात है यार, मैं और आगे नहीं जाऊंगा, पता नहीं ये बच्चा कहां पहुंच जाएगा। मैं समझ सकता हूँ कि ये दोनों बच्चे हिप्नोटाइज हो सकते हैं। आपका क्या नाम है? हिरांशी। हिरांशी, भाई हिरांशी के लिए भी जोरदार तालियां आ जाए। अच्छा बच्चा, एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहूंगा, आप घर पे किससे डरते हो, मम्मी से या पापा से? पापा से। पापा से, और पापा किससे डरते हैं? मम्मी से। क्या बात है बेटा, पापा मम्मी आए हैं यहाँ पे? पापा मम्मी आए हैं? नहीं आए बेटा, बच गए, वरना मार, घर जाके मार बहुत पड़ती आपको। अच्छा अभी ना मेरे पास एक बैग है और उसके अंदर एक हैंकी है। ओके, अच्छा अभी इस बैग के अंदर मैं इस हैंकी को डालूंगा, ठीक है? अगर आपको हैंकी दिखाई दे तो आपने सिर हिला के बोलना है यस, ठीक है? कैसे बताओगे? क्योंकि म्यूजिक चलता रहेगा, सभी ऑडियंस को पता लग सके। अगर आपको इसके अंदर हैंकी दिखाई दे तो आपने कहना है यस लाइक दिस, अगर नहीं दिखाई दे तो आपने क्लियरली मना करना है, ठीक है? लेकिन आपने सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना, ठीक है? सो एवरीवन, आर यू रेडी? यस और नो? ओके, लेट्स प्ले द ट्रैक वंस अगेन। Thank you so much. Thank you. Okay.